सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से कहां गायब हुआ सामान? हिसार आई गोवा पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला? क्या है सोनाली फोगाट की मौत का गुरुग्राम कनेक्शन? बीजेपी नेता और रियलिटी शो बिग बॉस 14 फेम रही सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। हर दिन सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़े नए सवाल सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में तकरीबन 110 करोड़ की संपत्ति की मालकिन सोनाली के फार्म हाउस में लगा महंगा फर्नीचर और महंगी गाड़ियां उनकी मौत के बाद से गायब है। हिसार के सिरसा और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच गांव डिंडूर में जमीन की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। यहां करीब 96 करोड़ रुपए की जमीन के अलावा सोनाली के रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा संत नगर में करीब 3 करोड़ का आवास और दुकानें हैं। सोनाली फोगाट के पास स्कॉर्पियो सहित 3 गाड़ियां थी जो अब गायब है। ये गाड़ियां कब और कैसे गायब हुई कोई नहीं जानता। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने पीए सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर होने का दावा किया था। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सुधीर की पैनी नजर थी। वो हर कीमत पर सोनाली का एक फार्म हाउस 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था, जिसके एवज में वह मात्र 60,000 रुपए हर साल देकर यह डील पक्की करना चाहता था। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनाली फोगाट को पीए सुधीर सांगवान हिसार से गुरुग्राम क्यों शिफ्ट कराना चाहता था। गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा है। 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से गोवा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। सुधीर ने किराए पर लिए इस फ्लैट के रेंट एग्रीमेंट में अपनी पत्नी के साथ रहने की बात कही थी और पत्नी के नाम पर सोनाली फोगाट का नाम लिखवाया था। अब तक इस मामले में हुई जांच और पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात भी कबूली थी। वहीं इस केस में गोवा पुलिस जांच के लिए हिसार पहुंची थी। सोनाली फोगाट केस में जांच के लिए हिसार आई गोवा पुलिस ने यहां 4 दिन तक छानबीन की। सोनाली के संत नगर आवास में 2 बार गोवा पुलिस ने छानबीन की। इस छानबीन में पुलिस के हाथ सोनाली फोगाट की 3 डायरी लगी है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक इन डायरियों में सिर्फ सोनाली फोगाट के भाषण, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के फोन नंबर और कुछ खर्चों का लेखा जोखा है। गोवा पुलिस टीम लॉकर को सील करने के अलावा इन डायरियों को भी अपने साथ ले गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।